दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने बुरे हालातों के सामने हार ना मानते हुए अपने सपनों के लिए संघर्ष किया है और वो जीते भी हैं। ऐसे लोगों ने दुनिया में बहुत सी मिसालें पेश की हैं जो लोगों को संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे ही एक हैं द मैन इन आयरन लंग्स के नाम से फेमस पॉल अलेक्जेंडर। दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पॉल अलेक्जेंडर पिछले 70 सालों से एक टैंक नुमा मशीन में बंद हैं और वो अपनी हर एक सांस के लिए इसी मशीन पर निर्भर करते हैं। अपने इसी संघर्षों के साथ उन्होंने न केवल अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की बल्कि उन्होंने अपना लॉ भी कंप्लीट किया। अपने संघर्षों की कहानी को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है जो आजकल पूरी दुनिया में हलचल मचाए हुए है। तो आइए जानते हैं पॉल अलेक्जेंडर के जीवन से जुड़ी हुई हैरान कर देने वाली पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। पॉल जब सिर्फ 6 साल के थे तब वो गर्मियों की एक दोपहरी में अमेरिका के डेलास स्थित अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी गर्दन में तेज़ दर्द उठा, सिर भारी लगने लगा, उन्हें तेज़ बुखार हो गया था। पॉल की तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा बिगड़ने लगी, उनके हाथ पैरों में तेज़ दर्द उठने लगा। पॉल को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहाँ पहुँचकर वही हुआ जिसका डर था। पॉल पर पोलियो का अटैक हुआ था। उस समय अमेरिका में पोलियो का आतंक सब जगह छाया हुआ था। अस्पताल पोलियो के मरीज से खचाखच भरे थे। पॉल के माता पिता को बता दिया गया कि पॉल को अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, तभी उनके बचने की कोई उम्मीद की जा सकती है। 5 दिन पहले जो लड़का खेलता कूदता था, पेंटिंग करता था, अब उसके लिए चलना बोलना सब कुछ नामुमकिन हो गया था। पॉल के हालात को देखते हुए डॉक्टर को न केवल उसकी ट्रैकोटोमी करनी पड़ी बल्कि उसके फेफड़ों को भी साफ करना पड़ा। 3 दिन बाद पॉल की जब आँखें खुली तब उसका शरीर एक मशीन में कैद था। वो ना तो हिल सकता था, ना ही बोल सकता था और ना ही खा सकता था। उसे लगा कि शायद उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। पॉल की ज़िंदगी में अब आयरन लंग मशीन आ चुकी थी। पॉल की ज़िंदगी के अगले 18 महीने भयानक थे। वो ट्रैकोटोमी की वजह से बातचीत नहीं कर सकते थे लेकिन उन्हें बच्चों का रोना साफ सुनाई देता था। वो घंटों अपने गंदे कपड़ों में ही पड़े रहते थे। हालांकि उनके माता पिता रोज़ उन्हें देखने आते थे पर फिर भी पॉल की ज़िंदगी पूरी तरह से बदरंग हो गई थी। वो चेहरे के इशारों से साथी मरीजों से बात करने की कोशिश किया करते थे। ये पॉल का दुर्भाग्य ही था कि वो जिस भी बच्चे से दोस्ती करते जल्द ही उसकी मौत हो जाती और पॉल फिर अस्पताल में अकेले रह जाते बस अपनी आयरन लंग मशीन के साथ। यह मशीन ही थी जो पॉल को ज़िंदा रखे हुए थी। पॉल का गर्दन का नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था, वो इसे हिला भी नहीं सकते थे। आयरन लंग मशीन बस पॉल के शरीर में ऑक्सीजन पहचानने का काम कर रही थी। लेकिन पॉल ने इस मशीन में बंद रहते हुए वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग सोच भी सकते हैं। पॉल ने अगले 70 साल इसी मशीन के अंदर बिताए, ना केवल बिताए बल्कि ऐसे कामों को अंजाम दिया जो शायद साधारण आदमी के लिए सोचना भी मुश्किल है। पॉल ने बताया कि डॉक्टर राउंड पर आते और कहते कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये बातें पॉल को और हिम्मत देती और जीने की नई ऊर्जा प्रदान करती और धीरे धीरे उनके अंदर जीने की एक जिद सी बन गई थी। डॉक्टर को यही लगता कि पॉल जिंदा नहीं बचेंगे, इसीलिए उन्होंने आयरन लंग मशीन के साथ ही उन्हें घर भेज दिया। पॉल ने भी जीने की जिद को नहीं छोड़ा। उन्होंने धीरे धीरे आयरन लंग मशीन के बिना भी सांस लेना सीख लिया। पहले कुछ मिनट, फिर 1 से 2 घंटे तक आयरन लंग मशीन के बाहर रहकर वो सांस लेने लगे। फिजिकल थेरेपिस्ट के कहने पर उन्होंने थ्रोट कैविटी में एयर को ट्रैप करना और मसल्स को ट्रेन करना शुरू किया। इस तकनीक को फ्रॉग ब्रीथिंग कहा जाता है। पॉल ने धीरे धीरे नए सिरे से ज़िंदगी को जीना शुरू किया। जब पॉल ज़्यादा देर के लिए आयरन लंग मशीन से बाहर रहने लगे तो वह कुछ दोस्त भी बनाने लगे। लेकिन पॉल स्कूल को मिस करते थे। उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। पॉल के पिता ने उनके लिए एक खास पेन बनाया जिसे वो अपने मुँह से लिख सकते थे। स्कूल पॉल को घर से ही पढ़ाई करने की परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन पॉल की प्रोग्रेस और डेडिकेशन को देखते हुए एक दिन स्कूल को झुकना पड़ा और पॉल ने घर से ही हाई स्कूल पास कर लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में आवेदन दिया लेकिन दिव्यांगता के चलते उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में यूनिवर्सिटी ने 2 शर्तों पर पॉल को एडमिशन दिया। पहला कि वो पोलियो वैक्सीन लेंगे और दूसरा क्लास में उनके साथ एक हेल्पर भी होगा।
कुछ समय बाद पॉल ने यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सस में ट्रांसफ़र ले लिया और हॉस्टल में रहने लगे। वहाँ पॉल के साथ एक केयरटेकर भी था। 1978 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। जिस व्यक्ति के लिए डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो ज़्यादा दिन नहीं बच पाएंगे, उसी पॉल ने दशकों तक डैल्स और फोर्ट बर्थ में बतौर वकील काम किया। मॉडिफाइंग व्हीलचेयर पे पॉल कोर्ट जाते थे और पूरे समय वो हमारी तरह नहीं बल्कि मॉडिफाइंग तकनीक से ही सांस लेते थे। 1980 के राष्ट्रपति चुनाव में पॉल ने वोट डालकर सबको हैरान कर दिया। कॉलेज में पॉल को एक लड़की से प्यार भी हुआ, दोनों की सगाई भी हुई, पर शादी नहीं हो सकी। दोस्तों, पॉल अलेक्जेंडर अब खुद को आराम देने के लिए आयरन लंग मशीन में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जीने की जिद अभी भी कम नहीं हुई है। इसी के चलते उन्होंने एक किताब लिखी है। उनकी किताब 3 मिनट्स फॉर अ डॉग अ लाइफ इन एन आयरन लंग्स दुनिया में धूम मचा रही है। ये किताब हमको प्रेरणा देती है कि दुनिया में कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर आपकी जिद और इरादा मजबूत है तो आपको अपने सपनों को पाने में कोई नहीं रोक सकता। इस किताब को लिखने में पॉल को 8 साल लगे, जिसमें उनके दोस्त और उनकी नर्स ने उनकी काफ़ी मदद की। 2017 में यूके के एक पेशेंट की मृत्यु हो जाने के बाद पॉल दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो आयरन लंग मशीन पर जिंदा है। दोस्तों, पोलियो जैसी बीमारी अब हमारी जीवन से बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन पॉल अलेक्जेंडर के जीवन की कहानी आज भी हमें अपने सपनों को पाने के लिए प्रेरणा देती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है, गुजारिश है कि जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब खैर, जय हिंद।